फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। ठीक है, बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, ठीक है, बीसीए की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आइए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम लोग आप देखेंगे कि बिजनेस मैन कौन होता है और उसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं और आगे की चीजें। ठीक है, आइए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोल्ड पे क्या लिखा है, बिजनेस मैन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। ठीक है, लोगों को जो गुड्स मतलब सामान देता है या सर्विस प्रोवाइड करता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन। ठीक है, आम बोलचाल में हम लोग क्या कहते हैं, ओनर। ठीक है, ओनर ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का जो मालिक होता है वही बिजनेसमैन होता है। ठीक है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने से या गुड्स प्रोवाइड करने से वो बिजनेसमैन नहीं बन जाता है, उसके लिए वो और भी चीज करता है। क्या, टेकिंग रिस्क। ठीक है, सबसे जरूरी चीज वो क्या करता है, वो रिस्क लेता है। ठीक है, कैसी रिस्क लेता है, देखिए बिजनेस करने में दो चीज होती है, आप लोग को पहले भी बताया गया था, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो बिजनेस में हमेशा। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है ना। अब मान लीजिए उसने सामान खरीदा, ठीक है, अब जो बिजनेसमैन है अगर वो कोई सामान बेच रहा है, मान लीजिए उसने खरीद लिया 10 कंप्यूटर्स। ठीक है, 10 कंप्यूटर्स आज खरीद लिया, तो अब 10 कंप्यूटर्स में से उसने सोचा था कि भाई एक महीने में पूरे 10 कंप्यूटर हमारे बिक जाएंगे, उसने इसमें पैसे लगा दिए। ठीक है, 10 कंप्यूटर पे पैसे लगा दिए, अब 10 में से सिर्फ 5 बिका, ठीक है, कितना बिका, सिर्फ 5, और ये 5 जो बिका और ये 5 अब नहीं बिकेगा, जो बचा हुआ 5 है, तो अब इसको लॉस हो गया ना 5 कंप्यूटर पे, क्योंकि इसने तो पेमेंट कर दिया था पूरे 10 का और इसको फायदा कितने पे मिला, सिर्फ 5 पे, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द 5 था, रेस्ट ऑफ द 5 था, उसमें क्या हो गया, उसमें उसको लॉस हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो लॉस का रिस्क है वो भी वो बियर करेगा। ठीक है, अगर लॉस पाएगा तो प्रॉफिट भी पाएगा और अगर प्रॉफिट पाएगा तो लॉस भी पाएगा, ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा जो क्या करेगा, जो सिर्फ प्रॉफिट पाएगा। ठीक है, पहली चीज, और दूसरी चीज अब ये हो गया टेकिंग रिस्क, अगली चीज क्या होता है, प्रोवाइड जॉब या प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या करता है, ये रोजगार भी लोगों को देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया है, शुरू में काम कम होता है तो एक आदमी अकेले करता है ओनर, फिर काम बढ़ता है तो उसमें और लोगों को जोड़ता है, जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं और इसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसको एम्प्लॉयमेंट, इसको एम्प्लॉयमेंट, इसको इसको, ऐसे करके वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को देता है। ठीक है, तो सीधी तरीके से बात वही है, बिजनेसमैन कौन होता है, अ पर्सन। ठीक है, देखिए सिंपल वर्ड में लिखेंगे, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेस टू द, ठीक है, टू द पीपल एंड विलिंग टू टेक रिस्क। ठीक है, क्या कहा हमने, एक आदमी जो गुड्स एंड सर्विस लोगों को प्रोवाइड कराएगा और इच्छा से स्वेच्छा से क्या करेगा, रिस्क लेगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिजनेसमैन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सबको, आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे आपका हेडिंग है क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल
सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है। अब आपको एक सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, ठीक है, ताकि आप लॉस में ना रहें, अच्छे बिजनेसमैन रहें, प्रॉफिट मैक्सिमम कमाएं, ठीक है। लॉस कभी कभी हो जाए वो चल जाएगा, ठीक है, पर बिजनेस में क्या होना चाहिए, 90% अगर प्रॉफिट हो और 10% आप लॉस पे रहें तो आप क्या हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। पर अगर इसी का उल्टा हो जाए, 90% आप लॉस पे रहें, ठीक है, और 10% प्रॉफिट पे रहें, तब आप क्या हैं, एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ठीक है। तो हम लोग क्वालिटी देखेंगे कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन कौन है, ठीक है। आइए पहले टाइम सेंस, दूसरा अलर्टनेस, तीसरा ऑनेस्टी, ठीक है, चौथा एबिलिटी टू कोऑपरेट, ठीक है, पांचवा एनर्जी, छठवां एबिलिटी टू लीड, ठीक है। आइए अभी ये छठों देखते हैं। पहला क्या है, टाइम सेंस। टाइम सेंस का क्या मतलब है? अब टाइम सेंस का ये मतलब है कि समय के हिसाब से आपको बिजनेस करना है, ठीक है, क्या करना है, समय के हिसाब से बिजनेस करना है। जैसे लॉकडाउन हुआ, ठीक है, कोरोना आ गया, तो कोरोना के वजह से कितने लोगों ने आपका मास्क और सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है। पहले सिर्फ सैनिटाइजर कहाँ मिलता था, केमिस्ट के यहाँ या थोड़ी बहुत एक दो जनरल स्टोर पे, अब ठेला वाला हो, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे कोई कोई भी दुकान ना हो, वो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर ही बेचने लगा। तो अब टाइम सेंस, समय के हिसाब से इसकी ज़रूरतें लोगों को पता चली, लोगों को ये पता चला कि भाई इसकी डिमांड भी बहुत है, हर आदमी खरीदेगा, तो क्या किया, इसको लोगों ने बिजनेस बना लिया, क्या, मास्क और सैनिटाइजर का, ठीक है। दूसरा अलर्टनेस। अब अलर्टनेस और टाइम सेंस लगभग एक तरीके से है। अलर्टनेस मतलब होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है उसके लिए आपको अलर्ट रहना, ठीक है, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होगा, या फ्यूचर किस सामान का है, ठीक है। अब जैसे हम लोग मान लीजिए जिस बेल्ट में रहते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे समर भी पड़ता है, विंटर भी पड़ता है, ठीक है। तो अब विंटर के समय लोग विंटर का स्टॉक मंगाते हैं, समर के समय समर का, तो ये अकॉर्डिंग टू द सीजन मंगाते हैं ताकि उनको लॉस ना हो और उनका सारा सामान क्या हो जाए, मौसम के हिसाब से बिक जाए, ठीक है। अगला क्या है, ऑनेस्टी। अब एक बिजनेसमैन को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, सच्चा होना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो ऑनेस्ट है, ईमानदारी से अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है। एबिलिटी टू कोऑपरेट। अब कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, ठीक है, कोऑपरेट का क्या मतलब होता है, सहयोग करना। तो अगर कोई बिजनेसमैन अपने कलीग से, मतलब जो साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ, या फिर अपने कस्टमर के साथ अच्छे से कोऑपरेट करता है, ठीक है, और उनकी क्या समस्या सुनता है, सब चीज़ जानता है, सब चीज़ देखता है, तो और उनकी समस्या का निवारण करता है, तो क्या होता है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, ठीक है। अगला है एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी होगी बिजनेसमैन की ना, वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी से पूरा भरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि दुकान पे बैठा है, सो रहा है, कोई भी कस्टमर आया उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका क्या होता मालूम है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अपने बिजनेस में, ठीक है, आप ओनर हैं और आप वहीं पे सो रहे हैं, या आप जहां सब लोग बैठे हैं वहीं पे आप काम नहीं कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। निगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, आपके कस्टमर पे भी पड़ता है और आपके उस पे भी पड़ता है, लोगों पे, जो आप लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी हो गया। एबिलिटी टू लीड,
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, ठीक है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? एबिलिटी टू लीड। ठीक है, एबिलिटी टू लीड। अब उसको लीड करने की, देखिए उसके अंडर में सब लोग काम करेंगे तो उसको एज अ लीडर होना पड़ेगा, ठीक है। वो जो बात कहे उसको लोग माने, लोगों का सजेशन सुने, ठीक है, और क्या करे, निर्णय ले उसी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ इम्प्लॉय है, वो कहता है कि सर हमें लोगों को इस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड ज़्यादा है। मान लीजिए गुड्स ए है, किसी ने कहा कि सर इस पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो अगर उसको लगता है कि हाँ ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, बेच सकते हैं, तो उसको ओनर को उस एम्प्लॉय की बात माननी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह लीडर होते हैं। लीडर क्या करते हैं? लीडर वो आदमी होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी बातें सुनते हैं, और वो भी सबकी बातें सुनता है, ठीक है, सबकी बातें सुनता है और निर्णय लेता है। तो एबिलिटी टू लीड हो गया, ठीक है। अगला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको खुद वो काम करना आना चाहिए, ताकि जब आप बड़े बिजनेसमैन बने, लोगों को रखें, तो आप उन पर क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो लोग वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको खुद ही नहीं आएगा तो आपके एम्प्लॉई कोई भी काम करेगा, कुछ भी करेगा, आपको पता चलेगा नहीं कि वो सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खुद भी पढ़े लिखा होना पड़ेगा और वो काम को आना चाहिए, इसलिए हम ट्रेनिंग भी करेंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्या है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई सबको? अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है। देखिए हम लोग ने क्या क्या देख लिया, हम लोग ने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ देख ली, ठीक है। अब क्वालिटीज़ क्या क्या हैं एक बार हम लोग फिर से रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या था? टाइम सेंस, अलर्टनेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। टाइम सेंस, अलर्टनेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगला क्या हो गया? एबिलिटी टू लीड, ठीक है। टाइम सेंस, अलर्टनेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एबिलिटी टू लीड, कोऑपरेटिव नेचर, ठीक है। और क्या था? और था आपका एनर्जी, ठीक है। तो ये सब क्या थी? कुछ क्वालिटीज थी हमारी जो किसके अंदर होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन के अंदर, जिसको क्या होना है, जिसको सक्सेसफुल होना है, ठीक है, ठीक है। आइए इतनी चीज़ें क्लियर हैं, अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आगे एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है, सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, इसके लिए कुछ चीज जरूरी है, वो देखते हैं। पहले लोकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, अवेलेबिलिटी, ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रीच टू द कस्टमर,
ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग द एम्प्लॉई, ठीक है, ये हमारे कुछ चार पॉइंट है। अब जो बिजनेस का लोकेशन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, वो मार्केट में होना चाहिए, ठीक है। अब दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है सेल्स से रिलेटेड, ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब सेल्स से रिलेटेड जो बिजनेस होगा वो मार्केट में होना चाहिए ताकि क्या करें, वहाँ पे कस्टमर आए और वो प्रोडक्ट देख के क्या करें, प्रोडक्ट खरीद लें। इसलिए सेल्स वाला कहाँ होना चाहिए, मार्केट में। प्रोडक्शन वाला आप ऐसी जगह करें जहाँ पे आपको इजीली क्या हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, ताकि ये सेकंड पॉइंट जो है, रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, ताकि आप इजीली क्या करें, अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो प्रोडक्शन करने के बाद फिनिश प्रोडक्ट को आप मार्केट में भेज सकते हैं आराम से, रॉ मटेरियल वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो या वहाँ तक आसानी से पहुँचाया जा सके, तभी रॉ मटेरियल से क्या बनेगा दोस्तों, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अगला क्या है, रीच टू द कस्टमर। अगर लोकेशन आपका बिजनेस का सही है तो आपके जो सामान है वो कस्टमर के पास आराम से पहुंच जाएंगे, इजीली पहुंच जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, ऑर्गेनाइजिंग द एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजिंग द एम्प्लॉय का मतलब होता है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको उनकी एबिलिटी के अनुसार ही काम मिले, क्या मिले, उनके एबिलिटी के अनुसार, जो व्यक्ति जो काम कर सकता है, जिस तरह का काम कर सकता है उसको वही काम मिले, ठीक है। अब एक चीज़ होता है सभी दुकानों में, वो क्या करते हैं, डिस्प्ले। इसका मतलब पता है आप लोगों को, इसका मतलब होता है वो अपनी दुकान के बाहर कुछ सामान रखते हैं जिसको देख के लोगों को ये पता चलता है, कस्टमर को, कंज्यूमर को, ठीक है, ये पता चल जाता है कि इनकी दुकानों में ये सामान बिक रहा है, ठीक है। अगर ये सामान बिक रहा है इनकी दुकानों में तभी डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले से पता चल जाता है और लोग वहाँ पर जाते हैं, वो सामान खरीदते हैं। इसको एक तरह से क्या कहते हैं, सेल्स की टैक्टिक्स, ठीक है, सेल्स टैक्टिक्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आज हम लोग ने क्या देख लिया, सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए क्या जरूरी है और सक्सेसफुल बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग अगली चीज़ देखेंगे कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग को पढ़ना है रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है। रिक्विजिट्स का मतलब होता है अपेक्षित, अपेक्षित मतलब उम्मीद, अपेक्षा करना किसी से, ठीक है। आपको अगर सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो आपको उस बिजनेस से क्या क्या उम्मीदें होंगी, क्या क्या काम होंगे, कैसे कैसे आप करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। देखिए लिखा है, अ सक्सेसफुल बिजनेस मस्ट ब्रिंग अ कंप्रोमाइज बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग। देखिए अब जो कंज्यूमर होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए क्या है, हमारा बिजनेसमैन, ठीक है, ये बी है, ये कंज्यूमर है, ठीक। ए बिजनेसमैन है, इसके पास कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए इसके पास कंप्यूटर है, ठीक है, इसने कंप्यूटर का प्राइस रख दिया है 40,000, ठीक, ये कंज्यूमर है, ये कंप्यूटर लेने आएगा, ठीक है। अब अगर 40,000 पे दोनों एग्री हो जाएंगे, ठीक है, कंज्यूमर और बिजनेसमैन अगर दोनों 40,000 पे एग्री हो जाएंगे, तब तो क्या हो जाएगा, डील फाइनल हो जाएगी और कंप्यूटर बिक जाएगा, ठीक है। पर अगर 40,000 पे दोनों नहीं एग्री होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दोनों लोग अड़ जाएंगे अपनी अपनी बात पे। मान लीजिए ये कहता है कि 35 में दे दीजिए, ठीक है, ये कहते हैं नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब है दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब कॉन्फ्लिक्ट को जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे, जब तक उसको क्या नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सामान बिकेगा नहीं। तो उसी चीज को कहा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट को जब भी रिजॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज, ठीक है।
ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा किसके बीच में, बिजनेसमैन और कंज्यूमर के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा कि दोनों को एक ही चीज को एक ही समय पे एग्री करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट या सर्विस, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेसमैन यहाँ पे कंप्यूटर है तो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर कोई सर्विस देता तो प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस पे, कंडीशन पे, अगर कंज्यूमर और बिजनेसमैन दोनों एक साथ क्या एग्री करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। अब ये 35 का मान लीजिए, इसने कहता 37, ये भी एग्री हो गया। अब इसने 3000 कम किया, ये 2000 बढ़ा, तो दोनों लोग एक बात पे एग्री होकर किस पे, 37 पे, 37 पे एग्री हुए। इसका मतलब क्या है, जो भी गुड्स है वो क्या हो जाएगा, अब वो गुड्स सोल्ड हो जाएगा। तो वही चीज आपकी यहाँ लिखी हुई है, क्या लिखा है, अ सक्सेसफुल बिजनेस मस्ट ब्रिंग अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो भी गुड्स एंड सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है ना, क्या करना है, प्रोवाइड। तो प्रोवाइड करने के लिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रहा है तो उससे हमें क्या, एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे जाना पड़ेगा, जो किसके बीच में होगा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे इसमें कुछ पॉइंट है, ठीक है, आइए क्या लिखा है, टू अचीव, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन बिजनेस सिस्टम, ठीक है, बिजनेस सिस्टम क्या है, उसके लिए क्या है, फॉलो द फॉलोइंग रिक्विजिट, ठीक है, फॉलोइंग ठीक है, अगर आपको क्या करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बिजनेस के करने हैं अचीव, ठीक है, बिजनेस सिस्टम के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा कौन कौन से क्या है रिक्विजिट, अभी ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन से रिक्विजिट ये देखा जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, पहला है बिफोर एस्टैब्लिशिंग, ठीक है, एनी बिजनेस एनी बिजनेस, ठीक है, लॉन्ग रन या शॉर्ट रन, ठीक है, हमने क्या कहा, टू अचीव बिफोर एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस, वेदर लॉन्ग रन या शॉर्ट रन है, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस शुड बी अचीव्ड, ठीक है, कोई भी बिजनेस का आपको अगर क्या करना है, इस्टेब्लिश करने से पहले, कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करने से पहले, चाहे वो लॉन्ग रन का हो चाहे या शॉर्ट रन का हो, ठीक है, तो आपको वो उस बिजनेस का क्या ऑब्जेक्ट है ना, उसको पहले अचीव करना पड़ेगा, या अचीव की जगह और अच्छा वर्ड यूज करते हैं, अचीव करेगा और अच्छा वर्ड, शुड बी इस्टेब्लिश, सबसे पहले आपको उस बिजनेस करने का आपका क्या उद्देश्य है, ठीक है, उस बिजनेस को करने का आपका क्या उद्देश्य है, उसे आपको पहले जांचना परखना पड़ेगा, उसे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और फिर उसी उद्देश्य के अराउंड करने का मतलब उसी उद्देश्य के अगल बगल बैठ के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर अपना बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो आपका उद्देश्य है वो किस प्रकार के बिजनेस से हो पाएगा पूरा, ठीक है,
सर्विस प्रोवाइड करने से होगा, गुड्स प्रोवाइड करने से होगा, सोशल है आपका बिजनेस की प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है। पहली चीज हो गई, अगली चीज देखते हैं, दूसरा है आपका प्लानिंग शुड बी गिवन इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तीसरा प्रॉपर लोकेशन, ठीक है, क्या है, प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए। अगला क्या है, ठीक है, अप टू डेट नॉलेज, आइए, ठीक है, पहला हम लोग देख लिए थे, दूसरा क्या है, प्लानिंग को आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। किसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, प्लानिंग को, प्लानिंग को आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कोई भी काम को करने के लिए, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे एग्ज़ाम देना हो, चाहे घर में हो, चाहे घर में कोई फंक्शन हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी काम को करने के लिए एक प्लानिंग होना चाहिए और प्लानिंग को ही आपको क्या देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आपके बिजनेस का लोकेशन सही होना चाहिए, प्रॉपर लोकेशन, ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए मार्केट है तो आप कोशिश करिए कि आपका भी लोकेशन वही हो, ठीक है, जिस तरह के लोग में आप डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस है तो जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस का हब होता है ना, जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस ही होते हैं, आप पूरी कोशिश करिए वहीं पे आपकी भी लोकेशन हो, ठीक है, अगर आपकी कोचिंग है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली में शायद एक मुखर्जी नगर है, वहाँ लोग प्रीफर करते हैं ज़्यादा, ठीक है, कोचिंग खोलना, क्यों, वो स्टूडेंट का हब है, ठीक, तो इसीलिए प्रॉपर लोकेशन बिजनेस की ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसी जगह ना हो जाए कि वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड ही ना हो, ठीक है, गर्म प्रदेश में जाके स्वेटर बेचिए तो वहाँ पे उसकी क्या डिमांड नहीं होगी ना, बिजनेस तो है पर वो बिजनेस यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए, अगर आप नॉर्थ में हैं तो एक बार गर्मी में भी लोग स्वेटर खरीद लेंगे, क्यों, ठंडी पड़ती है, पर अगर किसी ऐसे प्रदेश में जहाँ ठंडी ही नहीं पड़नी है, ठीक है, तो वो फिर गर्म कब खरीदेंगे, या जब वो कभी घूमने जाएंगे, ठीक है, तब वो खरीदेंगे, ऐसे नहीं कि वो खरीद लिए कह रहे यार अभी तो 3 महीने बाद ठंडी पड़ने लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, पर आप अगर ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो लोग ठंडी में भी ऐसी खरीद लेते हैं कि भाई गर्मी तो पड़ेगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तब काम आएगा, स्वेटर खरीद लो गर्मी में अगर कहीं मिल रहा है तो, ठीक है, क्यों, 4 महीने बाद वो काम आएगा, ठीक है, इसलिए लोकेशन सही होनी चाहिए। अब अप टू डेट नॉलेज, आप जिस चीज़ के बिजनेस कर रहे हैं ना, जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए, उसके बारे में आप हमेशा क्या रहेंगे, अप टू डेट, हमेशा अप टू डेट एकदम, ताकि आप बिजनेस में पिछड़ ना जाएं, आप आउट ऑफ द मार्केट ना हो जाएं, ठीक है, तो आप इसीलिए क्या करेंगे, आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे, ठीक है, हमेशा अप टू डेट रहने से आप मार्केट में बने रहेंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला है रिसर्च, रिसर्च इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है, और आखिरी है, ठीक है, आखिरी क्या है, इफिशियंट मैनेजमेंट, इफिशियंट मैनेजमेंट, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए रिसर्च का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि दवाई बनाने को ही रिसर्च करते हैं, ठीक है, आदमी क्या करता है, प्रोडक्ट रिसर्च करता है, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट रिसर्च करता है, ठीक है, मार्केट रिसर्च करने से पता चल जाती है कि मार्केट में इस समय क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है, ठीक है,
प्रोडक्ट रिसर्च करने से ये पता चल जाता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट आएगा मार्केट में या जो प्रोडक्ट सिमिलर वैसा चल रहा है मार्केट में उसमें क्या कमी है और हमें अपने प्रोडक्ट में क्या कमी नहीं लानी है। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट भी पहले से है तो उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, उसको कैसे दूर करेंगे, ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, इफ़िशियंट मैनेजमेंट। इसका ये मतलब है कि जो भी मैनेजमेंट होगा ना वो अच्छा होना चाहिए, वो इफ़िशियंट होना चाहिए। आपके मैनेजर को या मैनेजमेंट जो भी देख रहा है, जो भी व्यक्ति देख रहा है, चाहे वो ठीक है, आइए अब मैनेजमेंट जो भी देख रहा हो, चाहे वो आपका ओनर हो या किसी मैनेजर को रखा गया हो, ठीक, ओनर हो या मैनेजर हो, ठीक है, अब ये दोनों क्या होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए। एफिशिएंट क्यों होने चाहिए, रूल बना सकें, रूल इफेक्टिव बना सकें, ठीक है, जो भी रूल बनाए उसको क्या कर सकें, इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, ठीक है। और आखिरी चीज, आखिरी चीज ये है कि जो भी वहां पे काम कर रहे हैं लोग ना, एटमॉस्फियर शुड बी गुड, एटमॉस्फियर गुड शुड बी गुड, ठीक है। और वर्क डिवीजन होना चाहिए। अगर ये सब काम आपका मैनेजर या जो भी मैनेजमेंट देख रहा है वो एकदम अच्छे से कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो इफिशियंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।